नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, दम घुटने से हुई थी मौत, महंत को दी गई भू समाधि। अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई समझौते, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर भी होगी बात। धर्मांतरण का खेल खेलने वाला मौलाना कलीमी सिद्दीकी गिरफ्तार, धर्मांतरण के लिए हवाला फंडिंग का आरोप, उमर गौतम से जुड़े हैं तार। सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले महापुरुषों के योगदान को जाति से नहीं बांधना चाहिए, राष्ट्रधर्म को सबसे पहले रखें। पाकिस्तान को तुर्की ने दिया बड़ा झटका, यूएन में कश्मीर पर नरम पड़ा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का रुख, इमरान खान हुए परेशान। पहली खबर महंत गिरी पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में भू समाधि दी गई। उनकी अंतिम यात्रा से लेकर भू समाधि तक के सफर में संतों और भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। देश के विभिन्न महामंडलेश्वर और 13 अखाड़ों के साधु संत उन्हें भू समाधि देने पहुंचे। वहीं अब महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। पुलिस ने उनके चारों गनर से भी पूछताछ की है, तो वहीं इस मामले में तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अब भी गुत्थी उतनी ही उलझी हुई है जितनी पहले थी। देखिए, ये मसला बिल्कुल ही संवेदनशील है। जिस हिसाब से अचानक से ये खबर आई थी, उसके बाद से सुसाइड नोट सामने आया, किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने की बात कही जा रही है, सुसाइड नोट के ऊपर जांच अलग से हो रही है, लेकिन जो लोग इसमें नाम जिनके दिए गए हैं, जो जो आरोपी हैं, उनके तार किससे जुड़े हुए हैं, ये एक अहम मसला है। और बार बार आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने और डिप्टी सीएम मौर्य साहब ने इस बात को कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है, और इसमें तमाम लोग जो भी इसमें जिस किसी ने कुछ रोल प्ले किया है, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये कि अभी महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि तो दे दी गई है, उनका देहावसान हो गया है, लेकिन ये मुद्दा अभी ज्वलंत है, और कौन कौन लोग इनके पीछे साजिश में जुटे हुए हैं, इनकी तलाश अभी जारी है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर। पीएम मोदी अमेरिका दौरा के लिए रवाना हो गए हैं। 3 दिन की इस कार्यक्रम में पीएम मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें जो बाइडेन संग द्विपक्षीय बातचीत, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेना और यूएनजीए में उनका संबोधन शामिल है। अमेरिकी यात्रा से पहले पीएम मोदी ने खुद बताया कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करूंगा और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करूंगा। इस दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और अफगानिस्तान में स्थिति के तेजी से बदलने के कारण ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का यह दौरा कितना अहम है और दोनों देशों के बीच में क्या क्या समझौते हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो अपने ट्वीट में कहा कि ऑन द इनविटेशन ऑफ, मतलब ये कि जो बाइडेन अमेरिका की सरकार के इनविटेशन पे वो वहाँ पहुँच रहे हैं, ये अपने आप में ये कटाक्ष था उन विपक्षी दलों के नेताओं को, जो ये खुशियाँ मना रहे थे कि ये तो अमेरिका जा रहे हैं लेकिन बाइडेन साहब इस बार मिलेंगे नहीं, सरकार बदल गई है, इस तरह की तमाम अफवाह। मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के विपक्ष को, उनके दिमाग को लकवा मार गया है या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि ये लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ही बात करके, बयान दे करके, अफवाह फैला करके अपनी ऐसी की तैसी कराने में जुटे हुए हैं। खैर, ये तो हिंदुस्तान के विपक्ष का अलग रोना, वो तो जारी है ही। लेकिन आपने पूछा
कि ये दौरा कितना अहम है, पूरी दुनिया की नज़र जनरल असेंबली में किस कौन सा नेता क्या कह रहा है उस पर नहीं है, सबकी निगाह टिकी हुई है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और प्रधानमंत्री मोदी के मीटिंग्स जो क्वाड के लीडर्स के साथ और जो बाइडेन और कमला हैरिस के साथ होने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक जारी है, तालिबान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है, एक्सेप्ट पूरी दुनिया में एक ही लीडर है जो तालिबान को तालिबान के खेल में परास्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आप देखिए किस हिसाब से हिंदुस्तान के विदेश मंत्री पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, डिप्लोमेसी हिंदुस्तान की चरम पे है और इस हिसाब को देखते हुए कि पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर बाकायदा ध्यान दे रही होगी कि भारत तालिबान से निपटने के लिए क्या नए सजेशन क्या रणनीति के साथ वो आ रहे हैं। तो एक तो वो, दूसरा कि ये जो क्वाड की जो मीटिंग हो रही है पूरी दुनिया परेशान है इस चीन के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से। एक तो कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में विलन बन ही चुका है, लेकिन तालिबान के साथ मिलकर के एक अलग तरह की रणनीति बनाना और साउथ चाइना सी के अंदर जो उसकी दादागिरी है उसको कैसे रोका जाए इसकी भी रणनीति बनेगी। यकीन मानिए जब ये दौरा खत्म होगा दुनिया एक अलग रणनीति पे काम कर रही होगी। जी डॉक्टर साहब, अब बात धर्मांतरण गैंग की। यूपी में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये मौलाना ग्लोबल पीस सेंटर ऑफ जमीयते वलीउल्लाह का अध्यक्ष है और यूपी एटीएस ने मेरठ से इसे गिरफ्तार किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का भी आरोप है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को उमर गौतम का करीबी भी बताया जा रहा है, क्योंकि उमर गौतम ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसके साथी मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बीते सालों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। डॉक्टर साहब, इस धर्मांतरण गैंग पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, पर सबसे बड़ा सवाल कि ये खेल किसकी शह पर खेला जा रहा है। देखिए, ये पैसे विदेश से आते हैं, इसमें ISI, इसमें सऊदी अरब, इसमें तमाम तरह के उस तरह की तंजीमें जो पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार करवाना चाहती हैं, उनका हाथ है, उनका रोल है। अब ये मसला हिंदुस्तान में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला कर लिया है कि यह धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के ऊपर डंडा बरसाना है और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने 500 लोगों की एक अलग टीम बनाई है और जो अलग अलग जिलों में जाकर के पिछले 5-10 सालों में किन किन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करवाया है उन सब का लेखा जोखा कलेक्ट किया जा रहा है। एक कलीमुद्दीन ये सिद्दीकी जो पकड़ा गया है, इसके अलावा भी और भी कई सारे इस तरह के उमर गौतम अलग अलग जगहों पे छिपे हुए हैं। इन सब को इसलिए भी पकड़ा जा रहा है कि योगी जी इस यूपी के चुनाव में धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बना करके यूपी के चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं और इसलिए कार्रवाई तेज हो रही है और कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा कठोर होने वाली। जी डॉक्टर साहब, अब खबर सीएम योगी पर। सीएम योगी ने आज नोएडा में महाराज मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज को नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज को गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर वार करते हुए कहा कि 2017 से पहले कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, दुर्गा पूजा का त्यौहार नहीं मनाने दिया जाता था, तब कोई विदेशी आक्रमणकारी तो यहाँ शासन नहीं कर रहा था, लेकिन आज के हालात बदले हुए हैं, आज सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। 2017 में हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद अवैध बूचड़खाने को बंद करा दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र धर्म सबसे पहला धर्म होना चाहिए, अगर देश की सुरक्षा पर कोई आंच आई तो हम सब सुरक्षित नहीं होंगे, इसीलिए हमें राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखना होगा। डॉक्टर साहब, जातिवाद की राजनीति करने वाले विपक्ष को योगी सरकार ने कड़ा जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो अचानक से योगी जी का एक अलग रूप नजर आ रहा है, कभी वो अकबर और महाराणा प्रताप तो आज राजा भोज, तो ये अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में उस काले अध्याय को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें खास करके जो हिंदू सिंबल्स हैं
उनको इतिहास की किताबों में दफना दिया गया, गलत तरीके से पेश किया गया या फिर उन्हें भुला दिया गया है। ये राजनीति अच्छी राजनीति है, क्योंकि अगर हम अपनी आइडेंटिटी, हम अपनी संस्कृति, हम अपने इतिहास, हम अपने हीरोज़ को ही भुला देंगे तो आगे भविष्य में हम एकजुट नहीं रह पाएंगे। और इसलिए राजनीति का ये बदलता हुआ जो स्वरूप यूपी में देखने को मिल रहा है, कहाँ राजनीति सिर्फ जाति, वोट बैंक, कोई MY कॉम्बिनेशन, तो कोई दलित कॉम्बिनेशन, तो जो अलग अलग इस तरह के कार्ड्स खेले जाते थे, इन कार्ड्स का जो है इसको कह सकते हैं कि इनको रिडंडेंट बना करके जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हमारे आपके आइडेंटिटी, हमारे आपके विकास, गरीब के लिए जो योजनाएं हैं, उसको सामने ला करके जो योगी एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर, पाकिस्तान को लगे बड़े झटके पर। कश्मीर पर तुर्की ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का रुख नरम पड़ा है। इसका नजारा संयुक्त राष्ट्र की 76वीं आम सभा देखने को मिला। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और एर्दोगन ने कहा कि तुर्की कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अपने रुख पर कायम है। पिछले 74 सालों से कश्मीर समस्या उलझी हुई है और इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत दोनों पक्षों को उलझाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कश्मीर पर तुर्की ने तो अपने दोस्त पाकिस्तान को दगा दे दिया है। देखिए, ये जो बयान है इसको, इसके परिप्रेक्ष्य को समझिए। पिछली बार जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में लॉबिंग की, लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न इस्लामिक कंट्रीज का साथ उन्हें नहीं मिला। देश भर में, दुनिया भर में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ने इनका साथ दिया, एक था मलेशिया और दूसरा था तुर्की। अब हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी तो डिप्लोमेसी है, मलेशिया को तो शांत कर दिया गया, वहाँ हम लोगों ने अपने बिजनेस जो रिलेशनशिप हैं उसमें हम लोगों ने थोड़ी सी चाबी घुमाई, वो बिल्कुल शांत पड़ गया। लेकिन एर्दोगन का जो है रुख बहुत दिनों तक वो कायम रहा। लेकिन जो इन्होंने आज जो बात कह दी जनरल असेंबली की मीटिंग में, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। विचित्र क्यों है? क्योंकि जब पिछली बार पाकिस्तान के इशारे पे इन्होंने कह दिया था वही पाकिस्तान की लाइन कि वहाँ तो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है, पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया है, वर्ल्ड कम्युनिटी को कुछ करना चाहिए। और आज आपने खबर दी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोनों आपस में बातचीत करके मसला को सॉल्व करें, और हम दोनों बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान कहता है कि भाई तुम अपने चाल चरित्र को ठीक करो, तब हम बातचीत करेंगे। गोली और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो ये कश्मीर के मुद्दों को लेकर के जगह जगह से वो कटोरे लेकर के समर्थन की गुहार लगा रहा है। लेकिन ये बात कह देना कि दोनों आपस में बातचीत करके मसला को सुलझा देना, ये हिंदुस्तान के पक्ष में दिया गया बयान माना जाना चाहिए। और ये आपको समझ में तब आएगा, ज़रा YouTube पे जाएं, पाकिस्तान के पत्रकारों के बयानों, वहाँ के जो डिबेट्स हैं उसको ज़रा सुने, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि किस तरीके से इमरान खान और उसकी सरकार की किरकिरी पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।